हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट एंड टुडे वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स सेक्शन रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल द डिफरेंट सेक्शन के बारे में। तो देखिए, आपको याद आ रहा होगा हमने डिस्कस किया था व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। आने वाले कई सालों तक जो प्राइवेट व्हीकल हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनके लिए अलग अलग कंडीशन निकाली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये सब क्यों किया जा रहा है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनकी जो एक समस्या है कि जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल उनका बढ़ता जाता है इंजन एफिशिएंसी के डिक्लाइन के कारण। तो इन सब की वजह से क्या लाया गया, एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई है। तो ये क्या है, इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो पहले स्टेटमेंट पे आ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले, इट इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम टू रिप्लेस ओल्ड व्हीकल फ्रॉम इंडियन रोड्स। तो क्या यह गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया गया एक प्रोग्राम है जिससे जो पुराने व्हीकल है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा? इट विल, देखिए इस प्रकार से जो पॉइंट्स है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट फंडेड है या नहीं है, क्या ओल्ड व्हीकल को रिप्लेस करने की बात है, ठीक है, ये दो टर्म इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे सेकेंड स्टेटमेंट में बात करूँ मैं, इट विल हेल्प इन फेजिंग आउट ओल्ड, यहाँ पर ये मदद करेगा फेज आउट करने में ओल्ड के, बट नॉट अनफिट, ये बोल रहा है ओल्ड को फेज आउट कर देगा, क्या अनफिट को नहीं करेगा, ये बताना है आपको। एज पर रूल्स कमर्शियल व्हीकल ऑफ मोर देन 10 years ओल्ड विल हैव टू बी मैंडेटरी स्क्रैप्ड इवन इफ दे हैव पास द फिटनेस एंड एमिशन टेस्ट। यदि फिटनेस और एमिशन टेस्ट पास भी कर देते हैं तो जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो 10 साल के बाद क्या उन्हें मैंडेटरीली, मतलब सुनिश्चित रूप से जरूर, क्या रद्द कर दिया जाएगा? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में भी पढ़िए और बताइए कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बताइए क्या क्या स्टेटमेंट सही है, क्या क्या गलत है। और सॉरी, एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया, ये बड़े ध्यान से देख लीजिए। तो करेक्ट नहीं है, एक बार फिर से चेंज कर लीजिए उसको माइंडसेट, और नहीं पूछा गया। बताइए क्या सही है क्या गलत है, यहां पर नॉट करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्या है कि जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, बिल्कुल देखिए गवर्नमेंट इसमें फंडिंग कर रही है और मदद करेगी कि यदि आपने व्हीकल स्क्रैप किया, टाइम से व्हीकल स्क्रैप कर ले, चाहे फिर वो कमर्शियल व्हीकल है जिसे येलो पट स्ट्रिप का, या फिर नॉन कमर्शियल मतलब पर्सनल व्हीकल है, टाइम पे वो सब किया तो कुछ डिस्काउंट वगैरह जो नए व्हीकल पर मिलेगा, तो ये सब के लिए गवर्नमेंट मदद कर रही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, यहाँ पर नॉन करेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट नॉट करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट को आप कट कर दीजिए, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपके पास। और क्या आएगा, ऑल द 3 points यहाँ पर कट हो गए। अब देखिए, पुराने, यहाँ पर बोला गया इट विल हेल्प टू फेज आउट ओल्ड बट नॉट अनफिट व्हीकल। देखिए यहाँ पर जो ओल्ड जो अनफिट हो गए उससे फेज आउट करेंगे, यदि ओल्ड है लेकिन फिट है तो वो चलाए जा सकेंगे, इसलिए ये गलत हो गया स्टेप। एज पर रूल्स कमर्शियल व्हीकल ऑफ मोर देन 10 years ओल्ड विल हैव टू बी मैंडेटरीली स्क्रैप्ड इवन इफ दे पास द फिटनेस। नहीं, ऐसा नहीं है, जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए तो 10 साल, और जो जब रजिस्टर्ड हुए उसके बाद, और जो नॉन कमर्शियल है वो 15 के बाद। तो रजिस्ट्रेशन भी ऐसा ही होता है, जो पर्सनल व्हीकल होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्हीकल का 2012 में रजिस्ट्रेशन है तो 2027 तक उसकी टोटल वैलिडिटी वैसे भी रहती है 15 साल की, जो पर्सनल व्हीकल है उनकी। तो 10 साल जो है, द ओल्ड विल हैव टू बी मैंडेटरीली स्क्रैप इवन इफ दे पास फिटनेस एंड एमिशन टेस्ट। यदि वो फिटनेस या एमिशन टेस्ट को पास भी कर देते हैं तब भी क्या वो स्क्रैप माना जाएगा?
नहीं ऐसा नहीं, फिटनेस टेस्ट पास करते तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही पॉइंट याद रखना गलत हो गए। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, इज इट क्लियर? सो इनकरेक्ट में दोनों ही इनकरेक्ट है। चलिए यहाँ पर डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। अपने आप में गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आपको पूरी समझ में आने वाली, जिसमें रिप्लेस हो जाएगा ओल्ड व्हीकल फ्रॉम इंडियन रोड। और यहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड है। द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन, तो ये पॉल्यूशन को कम करने की पूरी मतलब जद्दोजहद की जा रही है। और इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि जितना जल्दी व्हीकल फेज आउट होंगे उतना जल्दी नए व्हीकल्स आएंगे, और उससे क्या होगा, अपने आप में इकोनॉमिक गतिविधि तेज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी नए व्हीकल्स की। क्या क्या मदद करने वाली है गवर्नमेंट स्क्रैपिंग के समय? व्हीकल मैन्युफैक्चरर कैन गिव अप 5% डिस्काउंट फॉर बाइंग न्यू व्हीकल, जिन्होंने ये टाइम पर व्हीकल को स्क्रैप करवाया, ठीक है, उनको 5% तक डिस्काउंट है। जीरो न्यू रजिस्ट्रेशन फी, न्यू रजिस्ट्रेशन फी देने की जरूरत नहीं है। स्क्रैप वैल्यू इक्वलेंट टू 4 to 6% एक्स शोरूम प्राइस ऑफ न्यू, तो ये जो है स्क्रैप वैल्यू 4 से 6% रहेगी, मिलेगी। स्टेट्स कैन गिव अप 25% एंड 15% रिबेट ऑन रोड टैक्स। रोड टैक्स में भी रिबेट मिलेगा पर्सनल एंड कमर्शियल व्हीकल के लिए रेस्पेक्टिवली। तो पर्सनल व्हीकल के लिए 25% रिबेट और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15%, जो रोड टैक्स होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तब। रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज सेविंग फ्रॉम फ्यूल, तो इससे क्या होगा, मेंटेनेंस रिड्यूस हो जाएगा और सेविंग जो है फ्रॉम फ्यूल। और देखिए क्या होता है कि नई गाड़ियों का फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमिकली ये भी बेनिफिशियल है। यस और नो? सो डिसइंसेंटिव्स क्या हैं फॉर कीपिंग ओल्ड व्हीकल, क्या क्या वो समस्याएं हैं ओल्ड व्हीकल के रखने से? स्टेट जो है वो एडिशनल ग्रीन टैक्स लगाकर जो है एक ज़्यादा अध्यारोपण से क्या होगा, लोगों को ज़्यादा पैसा देना होगा। हाइक इन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर प्राइवेट व्हीकल, कोई रिन्यूअल है वो बहुत ही कॉस्टली होगा, जैसे मैंने बताया आपको 2027 के बाद। इंक्रीज इन रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेशन एंड कमर्शियल व्हीकल, तो ये जो है फिटनेस सर्टिफिकेशन वगैरह दिखाना होगा, रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेशन फॉर, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ऑटोमेटिक डी रजिस्ट्रेशन ऑफ अनफिट व्हीकल, और ऑटोमेटिकली डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जो अनफिट व्हीकल है अपने आप से, पूरा जो डेटाबेस है उसमें। तो इस प्रकार से एक बार, क्योंकि सब कुछ चीज़ डेटाबेस से ही मैनेज है, तो जो नेम सजेस्ट कर रहा है कि फेजिंग आउट करना ओल्ड अनफिट व्हीकल को, ये फरवरी 1, 2021 में हाल ही में क्या हुआ, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि एनुअल बजट स्पीच में कि गवर्नमेंट विल अनाउंस वॉलेंटरली, मतलब स्वइच्छा से आप व्हीकल को स्क्रैप करवा दीजिए, अनफिट व्हीकल है ओल्ड है उनको हटा दीजिए, ठीक है। नॉट ऑल व्हीकल दैट हैव रन बियॉन्ड 15 ईयर्स, पर्सनल व्हीकल के लिए 15 साल, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए 10 साल का समय, विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लिमिट, जब ये लिमिट पूरी हो जाएगी, व्हीकल विल हैव टू अंडरगो मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट। तो जैसे ही ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया 2027 में एक मैंडेटरी टेस्ट होगा, यदि 2012 में व्हीकल लिया गया, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यदि कोई व्हीकल 2018 में लिया गया है, तो 2028 में यदि वो कमर्शियल व्हीकल है तो उसका फिटनेस टेस्ट होगा। इफ़ द व्हीकल फेल्स टू फिटनेस टेस्ट, तो उसको रिन्यूअल नहीं मिलेगा, डेटाबेस में चला जाएगा और वो रोड पे नहीं चल सकता। इफ़ व्हीकल पास द फिटनेस टेस्ट इट विल गेट रिन्यूअल सर्टिफिकेट, तभी रिन्यूअल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिन्यूअल है वो अगले 5 साल के लिए मिलेगा। तो ये जो है, वैसे 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको शायद 2 या 3 साल करना चाहिए था, खैर जो भी है। चलिए अब बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी अपने आप में स्कीम है, एक कंप्लीट स्कीम कवर हो जाएगी आपकी। क्या ये लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की? क्या ये प्रोवाइड करेगा एक हेल्थ कवर 5 लाख लोगों को प्रति फैमिली ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी में हॉस्पिटलाइज करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं PHCs। इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट।
तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा पूरा पूरा पेमेंट दिया जाएगा। आपको याद आ रहा होगा 5 लाख का ये अमाउंट है, जहाँ तक एक पूरे परिवार को ये कवरेज दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि आयुष्मान भारत के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। तो नो डाउट भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और यहाँ पर इस प्रकार की स्कीम लाई गई है, बिल्कुल सही है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फैमिली पर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो उन्हें ये हेल्थ कवर दिया जाएगा किसी भी प्रकार की आपदा होती है तो। और इसका फंड बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। सेंटर स्पॉन्सर्ड क्यों है? क्योंकि राज्य का भी उसमें रोल है, ठीक है। तो केंद्र प्रायोजित एक स्कीम ये कहलाएगी। तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पर, ऑल द 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, देख लीजिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ये एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो हेल्थ कवर प्रोवाइड करेगी 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल टू ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिली। 10.74 करोड़ जो पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज है, मतलब आप सोच लीजिए पर पर्सन लगभग 5 पीपल मानते हैं हम लोग, तो वही 50 करोड़ के लमसम हो गया, और ये 40% इंडियन पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। तो अपने आप में बहुत ही भारी भरकम स्कीम है, 50 करोड़ लोग कवर हो जाएंगे, और अपने आप में हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत ऊपर अपलिफ्ट होंगे। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी बहुत ऊपर अपलिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंडिकेटर बढ़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन जो मार्जिनलाइज है उनको ये मौका मिलने वाला है। और इसके लिए क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगा। गवर्नमेंट के द्वारा इतनी बड़ी फंडिंग की जा रही है, तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है ये, ठीक है। तो हाउस होल्ड इंक्लूड्स बेस्ड ऑन डेप्राइवेशन ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर इनका चुनाव होगा रूरल और अर्बन एरियाज में रेस्पेक्टिवली। फुल्ली फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट का इसमें रोल रहे। अगला प्रश्न एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मैंने बताया था आपको ओपन सोर्स एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो डिजिटल कॉमर्स के लिए बहुत ही मददगार होगा। ये इनिशिएटिव जो है किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग, फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होती है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इससे व्यापार रिटेलिंग में बहुत बड़ा एक्सटेंशन मिलेगा। और ये आपको पता होगा ओपन सोर्स में हमारा जो कोविन है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को और इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज को भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें किस प्रकार से वो वैक्सीनेट करें कि पता चल सके कितने लोगों को हुआ, पूरा का पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट को रहे। तो हम लोग इस प्रकार के ओपन सोर्स पे बहुत काम करें, ये भी एक प्रकार का ओपन सोर्स है। किसके द्वारा किया गया बताइए? ABCD। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट इंटरनल ट्रेड के द्वारा, ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो ये जो है ONDC, ये DPIIT के द्वारा, और अभी हाल ही में क्या हुआ था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चेयर की थी इसकी मीटिंग को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट मैंने आपको बोला था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब होलिस्टिक स्कीम है, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। UPI वेरी इंपॉर्टेंट। UPI क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे भीम ऐप है ना, भीम ऐप। तो UPI के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी, क्योंकि आजकल सारा का सारा ट्रांजेक्शन, मैंने आपको बताया था 3 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं देश में, 3 बिलियन ट्रांजेक्शन अपने आप में अब तक का रिकॉर्ड है ना। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, एक मैंने आपको न्यूज़ कटिंग क्लिप दिखाई थी। सो इट इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो NPCI के द्वारा बनाया गया है, जो कि RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इट इज बिल्ड ओवर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या नेफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसको नेफ्ट के ऊपर बनाया गया है।
और क्या वर्तमान जो लिमिट है यूपीआई की वो क्या 1 लाख रुपए है? तो यूपीआई देखिए बहुत ही चर्चा में है इकोनॉमिकली भी ओवरऑल, तो आपको यूपीआई के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये बनाया गया, और क्या ये नेफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा ही ये कंट्रोल किया जा रहा है, NPCI, जरूर याद रखना UPI। इट बिल्ट ओवर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर नो IMPS। IMPS इसका मतलब होता है इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, तो यहाँ पर IMPS के द्वारा, ठीक है, इंस्टेंट मैसेज पेमेंट सिस्टम IMPS, ठीक है। और इसके बाद में बात आती है अपर लिमिट जो है यूपीआई की, क्या वो 1 लाख है? बिल्कुल 1 लाख ही है अपर लिमिट, तो थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड नेफ्ट नहीं है, IMPS है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसीलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड विल नॉट बी करेक्ट आंसर। तो नेफ्ट जो होता है ये जो है इसको अगले दिन तक ट्रांसफर होता है। एक और आपने सुना होगा कि जो NEFT, नेफ्ट, नेफ्ट में क्या होता था अगले दिन तक पेमेंट होता था। एक होता था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, और IMPS से क्या होता है इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है, इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से NPCI आपको याद रखना है, इसके द्वारा डेवलप किया गया भारत का UPI। आज की तारीख में तो कार्ड भी भारत के यूज़ हो रहे हैं, रूपे है ना, पहले हम लोग मास्टर कार्ड, वीज़ा, तो मास्टर कार्ड को तो बंद कर दिया गया है, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉर P2P, पेयर टू पेयर पुल फंक्शनैलिटी, सप्लाइज मर्चेंट पेमेंट्स, सिंगल ऐप फॉर मनी ट्रांसफर, एक ऐप से मनी ट्रांसफर हो जाती है, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और UPI का ट्रांजेक्शन 1 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो आप जब भी एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैक्सिमम 1 लाख को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए द डिक्लाइन इन एरिया, तो यहाँ पर सोयाबीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सोयाबीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है सोयाबीन में, तो ऐसा बोला जा रहा है कि सोयाबीन का जो एरिया है पिछले दिनों में, दिस खरीफ सीजन वाज ऑब्जर्व इन ऑल मेजर सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। तो क्या यहाँ पर सोयाबीन की क्रॉपिंग वगैरह में क्या कमी देखने को मिली है क्या? ठीक है, एरिया जो सोइंग एरिया है उसकी बात है। देखिए सोई क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना है, सोइंग एरिया बोल रहा है या ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ने का बोल रहा है, तो यहाँ पर एरिया की बात की गई, इसीलिए देखिए एरिया पे गोला कर लीजिए। खरीफ सीजन में होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर सोयाबीन के इंडिया में क्या उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या सही है क्या गलत है, पॉज कर लीजिए। तो देखिए सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश तो नहीं है, मध्य प्रदेश है, और उसके बाद में महाराष्ट्र है, सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया गलत। और सोयाबीन के कुल एरिया में भी और ओवरऑल प्रोडक्शन में भी दोनों में बढ़त हुई, और ये सब जो है ना हमें गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह पे जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से ये ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। जैसे PSR नाम की जो वेबसाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल चीज़ों को रिसर्च करती है, गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चरल की जो वेबसाइट है, ठीक है। चलिए तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पर 2020-21 में इंडिया ने कवर किया था 121.21 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर द सोयाबीन एज कम्पेयर टू 113। तो पहले की तुलना में हमने, ये पहले का डेटा है, आज का डेटा ये है, दोनों में ओवरऑल जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक है, इनसे, ठीक है, एकड़ में भी बताया है, हेक्टेयर में भी बताया है। तो हेक्टेयर कितना होता है? हेक्टेयर होता है लगभग 100 गुना 100 मीटर, 100 गुना 100 मीटर, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, लमसम बता रहा हूँ। एग्जैक्टली तो बात करूँ तो एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 98 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और ये 100 इंटू 100 लगभग लमसम कितना आ जाएगा? 10,000 स्क्वायर मीटर,
मीटर स्क्वायर कैसे भी लिख लीजिए, तो ये लगभग 200 का डिफरेंस है, इसलिए 100 इंटू 100 क्लोज मानते हैं इसको, है ना। टू बी प्रेसाइज आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र विच कॉन्ट्रीब्यूट्स 89% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, अकेले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सोयाबीन का 89% प्रोडक्शन कर लेते हैं, और कुछ अन्य जो है राज्य वो हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात इत्यादि। इज इट क्लियर? सोयाबीन का जहाँ भी प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होगी, उर्वरक की आवश्यकता होगी, यूरिया की आवश्यकता होगी, और सोयाबीन जहाँ भी होता है आने वाले 8-10 साल में वो पूरे पूरे खेत बंजर हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं ये, ठीक है। चलिए अब बात आ रही है फासाई की। फासाई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का जो फासाई है इज द एपेक्स बॉडी दैट अलाउज द कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप को अनुमति देने के लिए क्या फासाई अथॉरिटी है? बताइए क्या सही है या नहीं। इंडिया अलाउज इंपोर्ट ऑफ जीएम सोयाबीन एंड कैनोला ऑयल। तो कैनोला ऑयल और जीएम सोयाबीन को क्या भारत ने इंपोर्ट के लिए अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और क्या फासाई ही वो बॉडी है जो डिसाइड करता है कि कमर्शियल क्रॉप होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी, वो कमेटी है जो पूरे भारतवर्ष में डिसाइड करती है कि कौन कौन सी GM क्रॉप को अलाउ किया जाएगा देश में उगाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि GM क्रॉप बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित कर रहे हैं। किसकी मदद से? बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस और कुछ अन्य जीवों की, जो जीवाणु हैं उनकी मदद से हम क्रॉप के पैटर्न और उसके जेनेटिक सीक्वेंस को, हो सकता है वो कल को हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो। और इसीलिए जो खाद्य, मतलब जो फूड क्रॉप्स वगैरह हैं, उनको हम इतना आसानी से अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए हमने GM ब्रिंजल, GM जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन, राइट, जो जिसको बोलते हैं BT मेज, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, इनको अलाउ नहीं किया है। लेकिन भारत जो है प्रोडक्शन के लिए तो मना करता है, ठीक है। BT कॉटन में हमने अलाउ कर दिया, क्योंकि कॉटन को हम खाते नहीं, केवल पहनते हैं, ठीक है। GM सोया हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और इस सबको अलाउ कौन करता है? GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। फासाई जो है वो तो हमारे जो जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, प्रोसेस्ड आइटम का मतलब जितने भी हम चिप्स, बिस्कुट्स इत्यादि खाते हैं, और इन सब में क्या होता है आपको पता ही, पाम ऑयल, तो उन सब के लिए जो परमिशन है, परमिट देता है, वो फासाई है, भारत की ये हाईएस्ट बॉडी है फूड बेवरेजेस इत्यादि को परमिट देने की, ठीक है। तो अपने आप में एक एपेक्स बॉडी है, लेकिन यहाँ पर GM के लिए GEAC, दोनों ही जो स्टेटमेंट है इसमें पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट, GEAC आएगा, और सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि GM सोयाबीन कैनोला तेल के आयात की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, GM वेरियंट्स कैन अट्रैक्ट जेल टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स। GM वेरियंट यदि फूड वाले तो वो 5 साल तक की जेल हो सकती है किसी किसान ने उत्पादन किया तो, और फाइन ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1986 के तहत। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये एपेक्स बॉडी है कमर्शियल रिलीज GM क्रॉप की, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये अप्रेजल है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है जितने भी इम्पोर्टेड क्रॉप्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, इम्पोर्टेड का मतलब जो विदेशी क्रॉप्स हैं उनको। तो इंडिया इम्पोर्ट जब करता है GM सोयाबीन को, GM सोया को, तो ये अलाउड है कैनोला को, और ये इसके लिए फासाई है। लेकिन GM क्रॉप भारत में उगाने के लिए जो परमिशन है वो ये, इम्पोर्ट करने के लिए फासाई, ठीक है, ये याद है, क्लियर रहेगा आपको। और फूड फासाई का काम क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए एक और प्रश्न आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस, मतलब स्वायत्त संस्था है, किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है क्या ये?
क्या ये कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। GEAC भी बता दीजिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, बताइए। तो फासाई किसके अंडर में है, तो पॉज कर लीजिए। देखिए, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं होगा, कॉमर्स इंडस्ट्री से भी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ, फूड यहाँ पर आ रहा है तो आपको लगेगा ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये कमर्शियल क्रॉप वगैरह। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ध्यान रखता है कि कौन कौन से ऐसे खतरनाक केमिकल्स हो सकते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस्ड आइटम के तौर पर यदि प्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर ये भारत की अपेक्स बॉडी, जैसे USFDA है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, ये निर्णय लेती है कि भारत का कोई प्रोडक्ट वहाँ पर अलाउ होगा नहीं होगा, USFDA। उसी प्रकार से भारत में फासाई ये प्रोडक्शन वगैरह पर ध्यान रखती है कि केमिकल्स, खतरनाक केमिकल्स लोगों तक ना पहुँचे, ऐसा ना हो कि जिसको मना है, जिस केमिकल्स को उसका प्रयोग किया जा रहा हो किसी पर्टिकुलर बेवरेजेस वगैरह में, तो उसको बैन लगाने का काम फासाई का है। इसके अलावा आपने क्या सीखा, जो इम्पोर्टेड GM क्रॉप से, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, उसको भी बैन करने का काम है फासाई का, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, इज इट क्लियर, डी इज द करेक्ट आंसर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस स्टैचुएटरी बॉडी, ये स्वायत्त है, स्वतः निर्धारण करती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बनाया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 के तहत बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, फासाई, ठीक है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की रिपोर्ट है ना, ठीक है, आपको याद आ रही होगी, 6AR6 रिपोर्ट आई है, इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। तो IPCC के बारे में देखिए, जो भी बॉडी चर्चा में रहती है उसके हमें शॉर्ट नोट्स जरूर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या WMO के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया IPCC को, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो WMO और IUCN के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। इट डज नॉट कंडक्टेड द ओरिजिनल रिसर्च नॉर मॉनिटर क्लाइमेट चेंज, क्या ये ओरिजिनल रिसर्च ये नहीं करती और क्या मॉनिटर नहीं करती है क्लाइमेट चेंज को, क्या स्टेटमेंट सही है बताइए IPCC के बारे में, ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इस प्रकार का प्रश्न हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, 1988 में इसकी स्थापना होती है IPCC की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ में UNEP के द्वारा, नॉट IUCN, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, WMO प्लस UNEP, इज इट क्लियर, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया रॉन्ग। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल रिसर्च ये नहीं करती है, बहुत सारे रिसर्च को केस स्टडीज देखे जाते हैं, मॉनिटर भी नहीं करती है, ये तो कुछ जो फाइनल फॉर्मुलेशन है कि क्या क्या संभावना है उस पर काम करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि मूल शोध कभी नहीं करता ये, ना ही जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखता है IPCC, केवल उसके कुछ फैसले वगैरह बताता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं IUCN, ठीक है। तो IUCN नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, सेकंड विल बी करेक्ट, सो ओनली बी विल बी द आंसर, इज इट क्लियर, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, 1988 में बनी थी ये UNEP और WMO, ठीक है, याद रहेगा, एंडोर्समेंट बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा एंडोर्समेंट किया गया, और मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है, ऑल द मेंबर WMO और UN के जो भी मेंबर है 195 सभी के लिए ओपन है। किसी प्रकार का ओरिजिनल रिसर्च मॉनिटर ये नहीं करता, इट अंडरटेक्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू टू ऑल द रिलेवेंट पब्लिश्ड लिटरेचर,
ये सिस्टमेटिक रिव्यू करता है जो 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 अलग अलग लोगों ने रिसर्च किया है, और उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव अपडेट की क्या क्या संभावना है क्लाइमेट चेंज पर, और पोटेंशियल स्ट्रेटजीज क्या हों, इसके इफेक्ट क्या होंगे। और ये जो रिपोर्ट आई है वो ग्लासगो जो समिट होने वाला है अब, राइट, नवंबर में, नवंबर 2021 में, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लूप्रिंट का काम करने वाली है ना। चलिए, जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट AR6I जो चर्चा में थी, ये किसके द्वारा रिलीज की गई, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर, है ना, बताइए। ये तो 100% आप लोग सभी सही देंगे, यस और नो। तो UNEP, IUCN, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम में लोकेटेड है ये, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली ये डी ही आंसर इसका सही है। इज इट क्लियर? नो डाउट एट ऑल। यहाँ पर सिक्स रिपोर्ट आई और इसको क्या बोला गया, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस, क्लाइमेट चेंज 2021 का फिजिकल साइंस पर क्या इम्पैक्ट हुआ। सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट AR6 जो UN यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पर सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स आई, एसेस किया साइंटिफिक, टेक्निकल, सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कंसर्निंग क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज कितना तेजी से हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट है। बहुत सारी अलग अलग रिसर्च को पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया इनके द्वारा। रिपोर्ट इवेल्यूएट द फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज लुकिंग एट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट। इट रिवील्स हाउ ह्यूमन कॉस्ट एमिशन आर अल्टरिंग ऑल द प्लैनेट एंड व्हाट दैट मीन्स फॉर आर कलेक्टिव फ्यूचर। यहाँ पर ये बताया गया कि ह्यूमन के द्वारा जो लगातार एमिशन हो रहा है, ये किस प्रकार से प्लैनेट को अल्टर कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, और व्हाट शुड बी द करेक्टिव मेजर्स, हमें करेक्टिव फ्यूचर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर काम चल रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि 10वें क्वेश्चन तक आपके कितने सही हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 26th UN चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 26वीं जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये किसके द्वारा होस्ट की जाएगी। तो सो फार मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया है ना, अभी मैंने बताया आपको नवंबर 21 तक होगा ये, रशिया करेगा होस्ट, चाइना, यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया, बताइए विच इज़ द करेक्ट। ऑब्वियसली ग्लासगो की बात हो रही है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम में है ग्लासगो 26वां, जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, ठीक है। और COP 20 कब हुआ, 21 कब हुआ था, आपको याद आ रहा होगा 2015 में, 2015 में। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शुरुआत कब से हुई थी, 1995 से। और ये सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पर COP 1 यहाँ पर हुआ है, COP 1 1995 में, COP 21, अब COP 26 होगा ग्लासगो में। और एनवायरनमेंट के प्रति यहाँ पर जो जो हमारी जो जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए सभी पार्टीज कुछ निर्णय लेते हैं, स्ट्रिक्ट निर्णय, और वो अपने अपने देश में अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना, 1992 में बना, 1992 में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सी विल बी द करेक्ट आंसर, और 2021 का यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो COP 26, जो 26वां यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड, और ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो नवंबर में है ये कॉन्फ्रेंस। इज द फर्स्ट टाइम दैट पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू कमिट एनहांस्ड एम्बिशन सिंस COP 21। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद में ये सबसे एडवांस्ड एम्बिशियस प्रोजेक्ट टारगेट रखे जाएंगे, क्योंकि अब बता दिया गया है कि जो भी हो रहा है ना, तब तक प्रेडिक्टेड था, अब तक सब कुछ प्रेडिक्टेड था कि शायद मानव के कारण हो रहा है, मानव के कारण। नाउ दिस इज प्रूवन कि दिस क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक, मानव के कारण ही है,
और इसीलिए ये सब हो रहा है जिस तेजी से हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं। सो पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एवरी 5 ईयर और हर 5 साल में आउटलाइन करते हैं पेरिस एग्रीमेंट अ प्रोसेस कॉल्ड लिकली, तो पेरिस एग्रीमेंट को और क्या बोलते हैं, रैचेट मैकेनिज्म। फाइनली यूएसए भी अब पेरिस एग्रीमेंट को एग्री कर चुका है, जो बाइडन अलाउड दैट। बिफोर दिस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिडंट अलाउड, तो वो लोग पार्टिसिपेंट नहीं थे। अब थोड़ा सा एक परिवर्तन आ सकता है क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पोल्यूटर एमिटर वो देश के शामिल होने पर एक प्रतिबद्धता अन्य देशों की भी बनती है और कुछ अन्य देश इसको लैकिंग नहीं समझेंगे, वो भी इसके साथ में पैरेलली काम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, कैसा लगा लेक्चर, और हम लोग जल्दी नेक्स्ट लेक्चर्स पे बात करेंगे जिसमें हम लोग 10 मोर MCQs के साथ डिस्कस करने वाले। तो 10 डिफरेंट सेक्शन वी कवर्स, राइट, जिससे क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट इंसाइट मिल जाता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।